आप सबका स्वागत है। आप सभी ब्लेस्ड हैं, हालेलुया। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आत्मा में आप हमेशा ऊंचे उठेंगे, आत्मा में आप हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, सामर्थ से भरेगा। सो सभी जन आत्मा में मेरे साथ रहें, अपनी बाइबल्स को उठाएं। सभी जन अपनी बाइबल्स को ऊंचा उठाएं और कहें कि परमेश्वर, मैं इस वचन को, इस जीवित वचन को, तेरी सामर्थ को, मैं तुझे परमेश्वर, इस वाचा को खुदावन, इस जीवित जलाल जलाल में वचन को, इस अलाइव वचन को परमेश्वर मैं प्रेम करता हूँ और इस वचन को मैं अपने हृदय में हमेशा समा कर रखूंगा। इस हाथ की तरह 30, 60 और 100 गुना विपरीत परिस्थितियों में भी मैं फल लेके आऊंगा। इस वचन पर मैं खड़ा रहूंगा, इस वचन के अनुसार चलूंगा, इस वचन के अनुसार परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा और सही मार्ग खुदावंद मैं हमेशा चुनूंगा, मैं इस वचन पर खड़ा रहूंगा। सो सभी जन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस वचन को खोलें। सभी के लिए उत्पत्ति 17, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 17, 17 बाब उत्पत्ति का। और हमने अब्राम के विषय में पढ़ा है। सो अब्राम जो था उसके बारे में हमने सुना कि 86 वर्ष का जब वो 86 वर्ष का हुआ था तो उसने हाजिरा से बेटा कर लिया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे जो उसके लिए ठहराया था, जो उसकी पत्नी से, जो उसका बेटा, जो उसके वंश को बढ़ाने वाला था, वो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, ना कि हाजिरा से। तो उसने 86 वर्ष में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी ओर से सोच के, अपनी वाइफ के साथ प्लान करके, उसने 86 वर्ष में हाजिरा से बेटा कर लिया। और परमेश्वर ने फिर 17 अध्याय में कहा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो इसीलिए खुदावन ने कहा कि अभी तो सिद्ध नहीं है, तूने हाजिरा से बच्चा कर लिया, लेकिन मैंने जो ठहराया वो तो ग्रेट है। तूने अपने बल का प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, हाजिरा से बेटा कर लिया, अब तू सिद्ध हो। परमेश्वर कहता अब सिद्ध हो, जो मैंने तुझे ठहराया ताकि वो मैं तुझे दे पाऊं, हालेलुया। सो परमेश्वर ने आगे 17:2 में लिखा, सो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा। परमेश्वर ने कहा कि अब चल ऐसा करते हैं, मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ और उस वाचा को जब तू पूरा करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जब तू वाचा को पूरा करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो वो ब्लेसिंग्स क्या थी? परमेश्वर कहता कि तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा कि अब्राम, अब से तेरा नाम अब्राहम होगा और तेरी पत्नी सारे का नाम सारा होगा, यानी कि तू जातियों का मूल पिता होगा और जातियों की मूल माता। सो परमेश्वर ने उन दोनों के नाम चेंज कर दिए। 17:6 में कि मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी साक्ष्य की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। मैं तुझको, तेरे पश्चात तेरे वंश को भी, ये सारा कनान जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, वह तेरी निज भूमि ठहरेगी और मैं तेरा और तेरे वंश का सदियों तक, युगों युग तक परमेश्वर ठहरूंगा। सब क्लीसिया कहें आमेन। सो परमेश्वर कहता कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, फ्रूटफुल करूंगा। परमेश्वर कहता कि तेरी वंश में से राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर कहता कि मैं वो कनान जिसमें तू परदेसी है, वह कनान जो कि हाम का बेटा है, पाप से पैदा हुआ, पाप का वंश हाम के बेटा कनान, जिसने के जो आगे वंश पैदा हुए, अलग अलग जातियों, कुलों, भाषाओं के अकॉर्डिंग उन्होंने बड़े देश बना लिए। सो परमेश्वर कहता कि वो देश मैं तुझे दूंगा जब तू मेरी वाचा को पूरा करे। सो अब हम उस वाचा को पढ़ेंगे कि वो क्या वाचा है जो खुदावन ने उसे कहा कि अगर तू इस वाचा को पूरा करे तो मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा, तेरा इज़हाक तू कंसीव कर पाएगा, ग्रेटनेस को तू अचीव कर पाएगा। परमेश्वर कहता कि तू उस कनान तक, उस वायदों के स्थान तक तो पहुंच पाएगा। सो वो वाचा कौन सी है? वो वाचा पढ़ते हैं हम 17:10 को, जिसमें लिखा कि मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वे ये है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। वो वाचा क्या है? परमेश्वर ने जो उसके साथ बांधी वो वाचा खतने की है। परमेश्वर ने कहा कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो।
सब कलीसिया कहे कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। परमेश्वर कहता कि मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा, तो इसहाक तेरा मैं तुझे दे दूंगा, जो परदेसी होकर जिस प्लॉट में नहीं, जिस 12 मरले में जा एकड़ में नहीं, पूरे देशों के देश, परमेश्वर कहता तेरी निज भूमि, तेरी निज प्रॉपर्टी हो जाएंगी। क्या करेगा? जब तू तेरे वंश के सभी लोग, हर एक जन पुरुष पुरुष खतना करवाएगा तो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा आगे 11 में, कि तुम अपनी अपनी खलड़ी का, यानी कि स्किन का खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा मेरी और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अर्थात तेरे रूपे से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाएगा। और इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। सब कलीसिया कहें आमेन। ये परमेश्वर का वचन था कि अगर तू फ्रूटफुल होना चाहता है, आइजक को कंसीव करना चाहता है, ग्रेटनेस को अचीव करना चाहता है, उस कनान तक पहुंचना चाहता है, तो परमेश्वर कहता कि हर एक पुरुष को खतना करवाना पड़ेगा। सो अब ये खतना क्या है? पुराने समय में, अब्राहम के समय में वो खतना था जो कि पुरुषों का, यानी कि जेंट्स का होता था। पुरुषों के अंग का मांस थोड़ा सा काट दिया जाता था और इसे खतना कहते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि यदि तू खतना करवाएगा तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो ये जो पुरुषों के साथ जो खतना होता था, ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था, एक दर्दनाक प्रोसेस थी ये वाली, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि ये जरूरी है करना। चाहे तूने किसी को मोल लिया हो, चाहे वो तेरा दास हो, चाहे तेरे वंश में पैदा हुआ हो, हर एक जेंट्स पुरुष का खतना जरूरी है। और आप अगर आगे पढ़ोगे तो सच में परमेश्वर ने जो ये वायदा किया, और जैसे अब्राहम ने इस खतने की वाचा को परमेश्वर के पूरा किया, जैसे ही खतना किया परमेश्वर ने उसे उसका बेटा इसहाक दे दिया। हालेलुया। सो आज परमेश्वर हमें शरीर का, देह का खतना करने के लिए नहीं कहता, लेकिन हाँ परमेश्वर आज हमें आत्मा का खतना करने के लिए कहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आज भी अपने वायदों को हमारी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जिस बात के लिए मैंने आप सबको चुना है, चाहे वो वायदा आपको, आपके फैमिली ब्लेसिंग्स का हो, चाहे वो वायदा आपकी हीलिंग का हो, चाहे वो वायदा फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का हो, परमेश्वर कहता है मैं वायदे तुम्हारी जिंदगी में आज भी पूरा करने चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में खतना होना जरूरी है। हालेलुया। सो आज परमेश्वर हमें वो देह का, वो शरीर का, जो अंग का मांस थोड़ा काट दिया जाता था, वो पेनफुल प्रोसेस, वो शरीर का खतना करने को नहीं कहता, लेकिन हाँ परमेश्वर आत्मा का खतना करने को जरूर कहता है। हालेलुया। सो वो आत्मा का खतना क्या है? पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग कर दिया गया हूँ, मेरे लिए कुछ बाउंड्रीज ठहरा दी गई है, सो मुझे उस बाउंड्रीज में रहना जरूरी है। पौलुस ने कहा कि मेरा उस लाइन को क्रॉस करना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं उन बाउंड्रीज को क्रॉस करूंगा तो परमेश्वर का वचन टूटेगा और मैं आत्मिक रीति से खतना नहीं करवा सकता फिर। हालेलुया। सो आत्मिक खतना क्या है? अलगताई में रहना। आत्मिक खतना भी एक पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि जब हम आत्मिक खतना करवाते हैं, यानी कि हम अलगताई में रहते हैं, दूसरों की तरह ना तो बोलते ना चलते हैं, ना उनके जैसे पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं, ना उनके जैसे काम करते हैं, तो दूसरों के द्वारा हम रिजेक्टेड होते हैं, दूसरों के द्वारा सताए जाते हैं, अपनों के द्वारा हम प्राय कर दिए जाते हैं, विरोध सहन करना पड़ता है, सही चलते हुए भी तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। सो परमेश्वर कहता कि जब ऐसा सतावा है मसीह में चलने के कारण, तो ये एक आत्मिक खतना है। हालेलुया। जिस तरह से शरीर का खतना था तो शरीर में दर्द हुआ, उसी तरह से आत्मा का खतना है, तो जब हम मसीह में सही रीति से चलते, अलगताई में चलते, पवित्रताई में चलते हैं, तो हमें इमोशनली पेन्स का सामना करना पड़ता है, हम इमोशनली दुखों से निकलते हैं, हमें स्ताव को सहन करना पड़ता है। हम मसीह में हैं, सही चल रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं, पहले आप पवित्रताई में थे, पहले पाप में थे, मसीह में आने के बाद पाप छोड़ दिया, लेकिन अब भी विरोध हो रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अपनों के द्वारा
जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। सो ये जो इमोशनल पेन्स हैं, ये जो अकेलेपन की पीड़ा है, ये जो दुनिया से अलग होकर टीवी एंटरटेनमेंट को छोड़कर प्रार्थना में बैठने का वो जो एक प्रेशर है, ये आत्मिक खतना है। हालेलुया। तो वो खतना जो अब्राहम ने किया, वो देह का खतना किया और परमेश्वर ने उसे इजहाक दिया। खुदावन ने कहा कि युगो युग तक, जब तक तेरी देह में मेरी वाचा का ये चिन्ह यानी कि ये खतना रहेगा, तब तक युगो युग तक मैं तुझे ब्लेस करता रहूंगा। सो उसी तरह से आज परमेश्वर हमें देह का खतना नहीं बल्कि आत्मा का, मन का खतना कहता है। परमेश्वर कहता है कि अपने मन से वो बुरे विचारों को, वो गलत पापों को, आदतों को अपने मन से, अपने व्यवहार से, अपने नेचर से काट दे। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है शरीर से मांस नहीं काटना। आज परमेश्वर कहता है कि अपने आत्मा से वो गलत पाप, वो विचार गलत, वो चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, उन चीजों को काट दे। हालेलुया। तो सोए रहकर और इग्नोरेंट रहकर, परमेश्वर के वचन से मोह मोड़कर हम परमेश्वर का वो आत्मिक खतना आज नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन से मोह मोड़कर बिना आत्मिक खतना किए हम परमेश्वर में भी हैं और हम बाकी सभी जगहों पर जा रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। हम झूठ भी बोलते हैं, हम रिश्वत भी लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पाप भी कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा आंखों से गलत देख भी रहे हैं। तो आपने पाप किया और अभी तक आपका आत्मिक खतना नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आत्मिक रीति से अपने आप से वो आपने पाप को, आपने उन पाप के वंशों को, उन जीवों को, कीटाणुओं को अभी तक काटा नहीं है, खत्म नहीं किया, अलग नहीं किया, तो आप भूल जाओ कि वो कनान, वो विक्टोरियस प्लेस, आपकी टेस्टिमनीज का वो प्लेस परमेश्वर आपको कभी देख पाएगा। हालेलुया। सो भूल जाओ कि वो इज़हाक, वो ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में पैदा होनी चाहिए वो आपकी जिंदगी में हो पाएगी। सो भूल जाओ कि वो बिजनेस जो इसहाक की जिंदगी में 100 गुना जो प्रतिफल की ब्लेसिंग और ग्रेस थी वो आपकी जिंदगी में वो कभी आ पाएगी। हालेलुया। अगर आत्मिक खतना हुआ है तो अपने उस स्पिरिचुअल विक्टोरियस प्लेस, उस कनान तक पहुंच पाओगे। अगर आत्मिक खतना हुआ, अगर आपने अपने आप को अलग कर लिया सभी कुरीतियों से, तो सच में वो इजहाक आप कंसीव कर पाओगे, वो इजहाक की जो ग्रेस है 100 गुना फलों की आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके कामों में वो दिखेगी। सच में जो परमेश्वर ने अब्राहम को ग्रेट किया, उसका नाम ग्रेट कर दिया, उसके वंश में से राजा उत्पन्न हुए, परमेश्वर कहते हैं कि उसे फलवंत कर दिया, देशों के देश दे दिए, राजाओं से अधिक संपत्ति दे दी। सो वो ग्रेस खुदावंद आपकी लाइफ में देगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक खतना करना पड़ेगा। हालेलुया। सो वो आत्मिक खतना हम कैसे करें वो आत्मिक खतना? सो वो जैसे देह में खतना था तो मांस को काट के अलग कर दिया और कनान दिया खुदा ने, इजहाक दिया खुदा ने, ग्रेटनेस दी खुदा ने, राजा उत्पन्न हुए, फलवंत हो गया, उसे परमेश्वर ने जातियों का मूल पिता ठहरा दिया। सो आज परमेश्वर देह का नहीं बल्कि मन का, आत्मा का खतना करने को कहता है। सो आत्मा का खतना कैसे होगा? जब हम उसके यानी के परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलेंगे। कैसे खतना होगा? सब कलीसिया बोले कि जब हम परमेश्वर के पवित्र मार्ग पर चलेंगे, जब हम उसके पवित्र मार्ग पर चलेंगे। सो सभी जन यशायाह की पुस्तक 35 अध्याय को निकालें और आप समझ पाएंगे कि वो पवित्र मार्ग क्या है। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सय्योन में आएंगे, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सब कलीसिया कहे कि परमेश्वर ये वचन हमारी जिंदगियों में पूरा हो, ये वचन हमारी जिंदगियों में पूरा हो, आमीन। तो परमेश्वर क्या कहता? परमेश्वर कहता यशाया 35:8 से कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर कहता कि जब तू पवित्र मार्ग पर चलेगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तू कभी भटकेगा नहीं। परमेश्वर कहता कि तेरे शोक को, तेरे दुख को, और परमेश्वर कहता लंबी सांस का लेना यानी कि करहाना, आह करना दुख में। जब हम जिदा पंजाबी च कहते कि ताह मार के जो रोंदा कोई बंदा दुख दे विच, वो परमेश्वर कहता वो आहें भरना, वो शोक तेरा सदा
निरंकार आनंद तेरे जीवन में सदा ठहरा रहेगा। जब क्या करेगा तू 35:8 में कि जब तू पवित्र मार्ग पर, उस राज मार्ग पर जो पवित्र है, उस पवित्र मार्ग पर चलेगा। सब कलीसिया कहें आमीन। सो वो पवित्र मार्ग कौन सा है, जब हम निकालेंगे यूहन्ना की इंजील 14 उसकी 6 को कि वो पवित्र मार्ग कौन सा है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि राह सच्चाई और जिंदगी मैं हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस यशाया की पुस्तक में जिस पवित्र मार्ग की बात की गई है वह राह मैं हूँ, मैं रास्ता हूँ, आई एम द ओनली वे। मेरे बिना तू आत्मिक खतना नहीं करवा सकता, मेरे बिना तू ब्लेस नहीं हो सकता, मेरे बिना वो शोक वो आहे भरना तेरी जिंदगी से खत्म नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता वो पवित्र मार्ग, वो राजमार्ग, वो रास्ता मैं हूँ। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जो कोई पवित्र मार्ग पर चलना चाहता है उसे आत्मिक खतना करवाना पड़ेगा। सो आत्मिक खतना प्रभु यीशु मसीह में है। सो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना पड़ेगा, उससे पीछे चलना पड़ेगा ताकि हम आत्मिक खतना करवा पाए, आत्मा से वो बुराइयों को निकाल पाए, ताकि हम उन ब्लेसिंग्स को फ्रूटफुल होने की, इसहाक लेने की और वो कनान लेने की, अपनी टेस्टमनी के प्लेस तक पहुंचने की, वो सभी ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आ पाए। हालेलुया। सो पुराने नियम में शरीर का खतना था, लेकिन नए नियम में आत्मा का खतना है जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता पवित्र मार्ग मैं हूँ, वो रास्ता मैं हूँ, आई एम द ओनली वे। सो उस रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के ही हम अपना आत्मिक खतना करवा सकते हैं। हालेलुया। सो आगे परमेश्वर का वचन कहता कि कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। परमेश्वर कहता कि कोई अशुद्ध जन जिन्होंने अपना खतना नहीं करवाया, यानी कि जो व्यभिचार में है, जो अभी तक जिन्होंने गलत काम नहीं छोड़े, जिन्होंने अपने मन से अशुद्धियां नहीं निकाली, जो शुद्ध नहीं हुए, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर हिम्मत से भी अधिक अपने आप को श्वेत नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया, साफ नहीं किया, अपना आत्मिक खतना नहीं करवाया, परमेश्वर कहते उस पवित्र मार्ग पर वे ना चलने पाएंगे। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। सब कलीसिया कहें आमीन। वचन कहता है कि जो अशुद्ध मन के हैं, जिन्होंने अपना खतना नहीं करवाया अभी तक, जिन्होंने पाप को अपनी जिंदगी से अभी तक नहीं काटा, परमेश्वर कहता है वो उस पवित्र मार्ग पर जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उस मार्ग पर वो नहीं चल सकते। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि वो मूर्ख भी अगर उस मार्ग पर परमेश्वर के पीछे हो लेगा तो सच में वो ब्लेस हो जाएगा, वो सभी ब्लेसिंग्स उसकी जिंदगी में आ जाएंगे और वो कभी ना भटकेगा। वो मूर्ख, हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए। सो परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने कमजोरों को चुन लिया कि कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध कर पाऊं, तो परमेश्वर ने कमजोरों को भी चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि मैंने जकड़े हुओं को चुन लिया उन्हें छुटकारा देने के लिए। सो परमेश्वर ने जितने आज बंधनों के नीचे बीमारियों में है, परमेश्वर ने आप सबको चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुन लिया। सो जितने गरीब हैं कर्जे के नीचे, परमेश्वर ने उनको भी चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने विधवाओं की सुधि ली है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जितने बोझ से दबे हुए लोग हैं परमेश्वर ने उन्हें भी चुन लिया है। हालेलुया। सो जितने मूर्ख हैं, जितने कमजोर हैं, जितने बीमारियों में हैं, परमेश्वर ने उन सबको चुन लिया है। परमेश्वर ने आप सबको चुन लिया है और परमेश्वर कहते हैं आप कभी भी भटकेंगे नहीं। सो सब कलीसिया कहें आमीन। सो आज जितने जन परमेश्वर के घर में हैं, आप में से बहुत से लोग बीमार होंगे, बहुत से कमजोर होंगे, बहुत से कर्जाई कंगाल हो सकते हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हो सकती हैं जिनका कोई आसरा नहीं, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया। सो जब आप उस पवित्र मार्ग पर यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो वचन क्या कहता है कि तू कभी भटकेगा नहीं। हालेलुया। सो आगे वचन क्या कहता है कि वहां सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा। तो सिंह क्या है, जन के शैतान फाड़ने वाला सिंह है, जो कि हमेशा परमेश्वर के लोगों को खत्म करने के लिए, उनकी टेस्टमनीज को चुराने के लिए हमेशा फाड़ने वाले सिंह की तरह हमेशा दहाड़ता रहता है। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जिन्होंने अपना आत्मिक खतना करवा लिया, सो परमेश्वर कहता उस रास्ते पर सिंह ना होगा, आत्मिक खतना करवाए हुए पापों से छुड़ाए हुए लोगों के रास्ते में कोई भी शैतान सिंह के समान ना होगा, ना कोई हिंसक जंतु उन्हें फाड़ने के लिए, उन्हें मार खाने के लिए ना होगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे।
छुड़ाए हुए जिन्होंने आत्मिक खतना कर लिया, छुड़ाए हुए यानी के जिन्होंने उद्धार पा लिया, अल्प विश्वासी नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वासी यानी कि फायर फील्ड पर्संस यानी कि वो लोग जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, जिनकी लाइफ से वो स्ट्रगल जो है ना पवित्रता में रहने की एक स्ट्रगल होती है कि स्ट्रगल कर रहा जी ये बंदा, वो व्यक्ति जो पूरी तरह से पाप से छूट चुका है, वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में धारण कर लिया है, परमेश्वर कहता कि वो छुड़ाए हुए, वो खतना पाए हुए लोग उस पवित्र मार्ग पर नित्य चलेंगे। तो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सय्योन में आएंगे। वो आत्मिक खतना पाए वे छुड़ाए हुए लोग सय्योन में यानी कि परमेश्वर के द सिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर के शहर में जय जयकार करते हुए आएंगे और नित्य चलते आएंगे और जय जयकार करते रहेंगे। उनके सिर पर सदा का आनंद होगा और शोक और लंबी सांस का लेना उनकी जिंदगियों से खत्म हो जाएगा। सब क्लीसिया कहें आमीन। सो हर व्यक्ति आज आत्मिक खतना करवाना चाहता है कि नहीं चाहता? सो परमेश्वर देह का खतना जो कि शरीर को देह को जो दुख देने वाली प्रक्रिया थी, सो परमेश्वर ने आज आत्मिक खतना करवाने के लिए बोला कि हर पाप को, हर चोरी को, हर भ्रष्टाचार को, हर बुरी आदत को जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उन चीजों को अपनी आत्मा से काट देना। हालेलुया। जब उन चीजों को, गंदी आदतों को अपनी आत्मा से काटोगे तो हाँ सताव आएंगे, लोग बुरा कहेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, अपनों के द्वारा त्यागे भी जा सकते हैं, हमें अकेला भी रहना पड़ सकता है, हमें कई तरह की कन्फ्यूजन, विपत्तियां, परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन ये आत्मिक खतना जब कंप्लीट होगा तो परमेश्वर कहता कि वो शोक, वो दुख, वो डिप्रेशन, वो आहे मारना, वो रोना पीटना जाता रहेगा और सदा का आनंद, सदा की खुशी और वो हर्ष परमेश्वर कहता तुम्हारी जिंदगियों में सदा के लिए ठहर जाएगा। सो आज से हमें अपने मन में, आत्मा में, ख्यालों में परमेश्वर के उस आत्मिक खतने के प्रोसेस को आज हमें कंप्लीट कर लेना है। आमीन। सो आत्मिक खतना करेंगे हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह में, वो पवित्र मार्ग है। परमेश्वर कहता राह मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। सो उस पवित्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल के हम अपना आत्मिक खतना करेंगे और अपनी टेस्टिमनीज तक पहुंचेंगे और वो शोक और दुख, वो आहे मारना सदा के लिए जाता रहेगा। लेकिन आज लोग जो है वो परमेश्वर का मार्ग नहीं चुनते। हालेलुया। नीति वचन 14 है उसकी 12 में लिखा कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। सो ऐसा मार्ग है जिसे मोस्ट लोग हमेशा चुनते हैं क्योंकि ये मार्ग कौन सा है, चौड़ा, ये मार्ग है खुला, ये मार्ग है जिस पर कोई रूल्स नहीं, जिस पर ट्रैफिक नहीं, जिस पर वेट नहीं करनी पड़ती। सो इस मार्ग पर हर कोई व्यक्ति जाना चाहता है लेकिन ये मार्ग का अंत मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वचन मैथ्यू 7 उसकी 13 में लिखा कि परमेश्वर का मार्ग तंग है। हालेलुया। तंग स्केत फाटक से प्रवेश करो, वचन कहता है कि स्केत तंग फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत उसमें प्रवेश करते हैं, परंतु तंग है वह फाटक, कठिन है वह मार्ग जो के जीवन को जाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता कि मैं रास्ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 14 उसके 6 में कि मैं रास्ता हूँ, और नीति वचन में कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुले रास्ते को चुन लेते हैं, इजी, सब कुछ इजी, फुल एंटरटेनमेंट, फुल टीवी चल रहे हैं, फुल फिल्में देख रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो ऐसे खुले रास्ते को हर कोई व्यक्ति चुनना चाहता है लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस रास्ते के अंत में मौत है, मृत्यु है, उसका कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं रास्ता हूं और मेरा रास्ता तंग है और बहुत कम है जो उस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो आत्मिक खतना होगा। तंग रास्ते पर कोई नहीं चलना चाहता, आज कोई भी अपना आत्मिक खतना नहीं करवाना चाहता, आज कोई भी पापों को छोड़ना नहीं चाहता, आज कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता, परमेश्वर को घर को भले ही छोड़ दे। हालेलुया। इसलिए लोग खुले रास्ते को चुनते हैं लेकिन उसका अंत मौत है, लेकिन तंग रास्ता है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। परमेश्वर कहता मैं मार्ग हूं। सो जो उस तंग रास्ते को चुनेगा, उस तंग रास्ते में हम टाइट, हम दुखी भी फील कर सकते हैं, वो आत्मिक पीड़ाएं, वो आत्मिक खतने की इमोशनल पीड़ाएं हो सकती हैं, बहुत से लोगों के द्वारा हम त्यागे जा सकते हैं, हम सताए जा सकते हैं, लोगों की विरोध सहना पड़ सकता है, समाज का विरोध सहना पड़ सकता है,
परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन वो तंग रास्ते के अंत में परमेश्वर का वचन कहता है जीवन है, लाइफ है। हालेलुया। सो हमें उस मार्ग को, वो पवित्र मार्ग जो के भले ही तंग है, भले ही आत्मिक खतने की वो इमोशनल पीड़ाएं हैं, भले ही हम अकेला महसूस करें कुछ समय तक, लेकिन जब हम लंबे समय तक उस पवित्र मार्ग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे, तो जब आत्मिक खतना भी कंप्लीट हो जाएगा, तो सच में हम अपने जीवन को, अपने कनान को, अपने आइजक इसहाक को, अपनी ग्रेटनेस को हम अचीव कर पाएंगे। सब कलीसिया कहें आमेन। हालेलुया। सो इसीलिए आज परमेश्वर कहता कि वो वाचा का वो चिन्ह खतना जो कि तुम्हारी देह में है जब तक बना रहेगा, तब तक मैं तुझे, तेरे वंशों को युगों युग तक ब्लेस करता रहूंगा, मैं तेरा और तेरे वंशों का परमेश्वर ठहरूंगा। सो आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे देह का खतना करने के लिए नहीं, बल्कि मन का, आत्मा का खतना करने के लिए, यानी कि आत्मा से वो सभी पापों को, बुराइयों को निकाल के स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो जाना, परमेश्वर के पीछे चलना, प्रार्थना में रहना, रोजों में रहना, और परमेश्वर की पवित्रताई में और उसकी पवित्र सामर्थ्य में भरना, परमेश्वर के काम करना। परमेश्वर कहता है कि जब तू अपनी आत्मा में खतना करवा लेगा, जब तेरी आत्मा में मेरे वाचा का चिन्ह ठहर जाएगा, तो खुदावंद कहता कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। सो आज कितने जन तैयार हैं आत्मा का खतना करवाने के लिए? तो देह का खतना तो हमने देख लिया, उसके परिमाण तो हमने देख लिए कि वो चाहे पेनफुल प्रोसेस थी, लेकिन जैसे ही करवाया खतना, तो परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया। हालेलुया। जैसे ही खतना करवाया, परमेश्वर ने उसे फ्रूटफुल कर दिया, फलवंत कर दिया, कनान निज भूमि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, परमेश्वर ने वंशों तक, परमेश्वर ने राजा पैदा किए। सो जैसे ही आज हम अपनी आत्मा में, मन में उस चिन्ह को, उस खतने को कर लेंगे, यानी कि हम पवित्र हो जाएंगे, जब हम बुरी आदतों को छोड़ देंगे, परमेश्वर के पीछे हो लेंगे, भले ही अभी तंग रास्ता है, भले ही आप आज बीमारियों में, परेशानियों में हो सकते हैं, भले ही आज आपकी रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं, भले ही आपके घरों में अभी क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, आप कर्जे में हैं, लेकिन जब आप तंग रास्ते से आज से प्रवेश करेंगे और बने रहेंगे खुदा में, और जब बने रहेंगे परमेश्वर में, उसके वचन पर, तो अपने आप आत्मिक खतना हो जाएगा, और जब आत्मिक खतना हुआ तो खुदावंद आपको फ्रूटफुल भी करेगा, परमेश्वर इसहाक भी देगा आपको, खुदावंद कनान भी देगा आपको, परमेश्वर आपको ग्रेट भी करेगा। तो सब कलीसिया कहे आमीन। तो सब कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, सभी जन खड़े हो जाएं वर्शिप में, और प्रार्थना करेंगे खुदावंद आज से मैं अपना आत्मिक खतना करता हूं, आज मैं अपने मन में अपनी आत्मा का खतना करने के लिए तैयार हूं। अपने हाथों को उठाकर कि परमेश्वर में आज आत्मिक खतना करने के लिए तैयार हूं, आज मैं अपना आत्मिक खतना करता हूं। ये पेनफुल प्रोसेस तो है, लेकिन परमेश्वर इसके अंत में जीवन है, इसके अंत में फ्रूटफुलनेस है खुदावंद। सो मैं आज आत्मिक खतना करता हूँ, मैं उस पवित्र मार्ग पर, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, सो उस पवित्र मार्ग पर मैं चलता हूँ। सभी जन आंखों को बंद करें। परमेश्वर आज मैं वो पवित्र मार्ग पर चलने का वायदा करता हूँ। आज जो परमेश्वर मैंने अपने घर से जो कदम लिया खुदावंद, सो वो पवित्र मार्ग के लिए कदम था, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर एक कदम था खुदावंद। सो सच में परमेश्वर आज से मैं उस पवित्र मार्ग पर, जो परमेश्वर कहता कि राह मैं हूँ, आई एम द ओनली वे, सो उस परमेश्वर, उस तंग रास्ते की ओर आज से मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं अपना आत्मिक खतना करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। सभी जन आत्मा में हाथों को उठाकर कि परमेश्वर आज मैं आत्मिक खतना करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। मैं वाचा का वो चिन्ह जो खुदावंद तूने अब्राहम के साथ बांधा, वो वाचा को खुदावंद आज मैं पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। सभी जन और वर्शिप करते हैं। रोशनी है तेरी सबसे महान, हम हैं जमीन तू आसमान, रोशनी है तेरी सबसे
तेरी पनाह।